गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास साइंस स्टूडेंट, आई एम तरुणा रेड्डी। मैंने कल फोर्थ क्लास में आपको फोर्थ चैप्टर के कुछ पॉइंट्स समझाए थे, जिसमें आपके फर्स्ट पॉइंट था टेरेस्ट्रियल एनिमल का, सेकंड था एक्वाटिक एनिमल का, फिर एम्फीबियन, आर्बोरियल, एरियल एनिमल, ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद में आपका था अडेप्टेशंस फॉर फूड इन बर्ड बीक, यानी बीक के द्वारा अपना वो किस तरह से भोजन लेते हैं, फीट एंड क्लास उनके किस तरह से होते हैं। आज है आपके अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, वो अपना बचाव प्रोटेक्शन यानी बचाव किस तरह से करते हैं। तो इसमें देखो ऊपर है, एनिमल हैव अडेप्ट देमसेल्व्स इन वेरियस इंटरेस्टिंग वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, यानी वो अलग अलग तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपना बचाव करते हैं। सम एनिमल लाइक ज़ेब्रा, एंटलॉप्स एंड डियर हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स, यानी इनके पैर जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, विच हेल्प देम टू मूव फास्ट एंड रन अवे फ्रॉम देयर एनिमी, यानी ये जब शिकारी या कोई इनको पकड़ने आता है तो ये बहुत ही, इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि इतना तेज भागते हैं कि इनको नहीं पकड़ सकते हैं एनिमीज। फिर हाउस फ्लाई, फिश एंड मॉस्किटोज ऑल्सो मूव वेरी फास्ट। अब हाउस फ्लाई जैसे मक्खी है, मच्छर है, तो ये भी बहुत जल्दी अपन इनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। जैसे मच्छर मक्खी जब अपन को परेशान करते हैं तो अपन की पकड़ में नहीं आते हैं, और फास्ट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर, इसलिए वो भी अपना बचाव आसानी से कर लेते हैं। द बिग साइज ऑफ सम एनिमल्स सच एज एलिफेंट, राइनोसॉरस एक्सेट्रा इज एनफ टू स्केयर अवे एनिमीज, और द स्ट्रिप ऑन ज़ेब्रा बॉडी मर्ज विद द सराउंडिंग एंड कन्फ्यूज द एनिमी, यानी इनकी जो ज़ेब्रा की जो बॉडी होती है वो कन्फ्यूज़ करने वाली होती है लोगों, एनिमीज़ को, कि तो वो उससे भी वो अपना बचाव कर सकते हैं, इनकी बॉडी ही इनका बचाव कर लेती है। सम एनिमल लाइक द कैमलियन कैन चेंज देयर बॉडी कलर टू मैच द कलर ऑफ देयर सन। अब कैमलियन क्या होता है, वो अपनी बॉडी को ना अपने एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज कर देता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसा आसपास का वातावरण होता है, उस तरह से। दिस इज कैन कॉमोफ्लेगिंग मेक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एनिमीज टू हंट देम। कॉमोफ्लेगिंग क्या होता है कि कॉमोफ्लेगिंग अपना जो चेंज कलर चेंज कर देता है, तो एनिमीज जो भी होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको वैसा वहाँ पर कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है। द स्टिक इंसेक्ट रिसेंबल्स ट्विग्स, दिस मेक इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हंग्री बर्ड टू लोकेट देम इन फॉरेस्ट, कैन स्पॉट द स्टिक इंसेक्ट ऑन द लीफ। कुछ ऐसे स्टिक इंसेक्ट होते हैं जो इतने चिपके हुए होते हैं कि वो अपन को जब भी वो कोई बर्ड या कुछ उनको करने आता है तो वो बहुत टाइट पत्तियों से चिपके हुए होते हैं, तो वो उनको नहीं ले पाते हैं बर्ड, तो इस तरह से वो अपना बचाव करते हैं। फिर सेव द एनिमल, एनिमल को हमें सेव करना चाहिए। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी दिनों दिन जो पीपल की जो संख्या है, जो लोगों की संख्या है, वो तो इंक्रीज़ होती जा रही है। सो वी नीड मोर एंड मोर लैंड फॉर बिल्डिंग, इसलिए हमको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे संख्या बढ़ेगी लोगों की, तो उनको रहने के लिए जगह की भी आवश्यकता होगी। फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एज अ रिजल्ट, और उससे क्या होगा, रहने की जगह होगी तो जंगलों का सफाया करना पड़ेगा, जहाँ पे भी ये पेड़ पौधे हैं या कुछ ऐसी ज़मीन है जिनको साफ करके लोग रहने लगेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। फॉरेस्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स आर बींग डिस्टर्ब, तो जो जानवर जंगलों में रहते हैं तो इनका जो घर होता है वहाँ पे वो नहीं होगा, और वहाँ से वो सफाया हो जाएगा उसका। वी आर स्नैचिंग अवे देयर होम्स एंड देयर फूड, यानी हम उनका जंगलों को काट के जब हम अपना घर बनाते हैं, या जंगलों की लकड़ियों को काट के जब अपना घर का सामान बनाते हैं, तो उससे उनका खाना और उनका रहना दोनों ही ख़त्म हो जाएगा। मैनी एनिमल आर किल्ड आइदर फॉर स्पोर्ट्स फूड और मेडिसन्स, कुछ जानवर अपने स्पोर्ट्स के लिए या खाने के लिए या दवाई के लिए मारे जाते हैं। सो मैनी एनिमल्स आर इनडेंजर्ड एंड नीड टू बी प्रोटेक्ट और एल्स दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, यानी हमने अगर उनका बचाव नहीं किया तो बहुत ही जल्दी उनका जो है वो पूरा ही, जो उनकी जो संख्या है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और हमको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। नाउ देयर आर अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट देम, द कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, प्रेरियर बर्ड सेंचुरी आर सम देम, यानी इसलिए अब कुछ जानवरों को नेशनल पार्क में, पार्कों में, जू में रखा जाता है। उसके बाद में आपके देखो, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल द मैन हिमसेल्फ, देखो क्या होता है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना इंसान, इंसान खुद का ही है जानवरों में। जैसे सम इनडेंजर्ड एनिमल में क्या है, अब इसमें राइनोसॉरस देखो, राइनोसॉरस का यह नाम लिखा हुआ है, हंटेड फॉर हॉर्न्स विच हैव मेडिकल वैल्यूज़, और चीता है इंडिया
डज नॉट हैव एनी मोर चीता, दे आर ओनली फाउंड इन अफ्रीका। अब चीता वगैरह जो है इनका लोगों ने शिकार करके इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब कुछ ही जो चीता बचे हैं वो सिर्फ अफ्रीका में हमें देखने को मिलेंगे। डोडो सेलर किल द बर्ड फॉर फूड वाइल रैट एंड कैट एट द एग। सेलर क्या करते हैं, इन पक्षियों को अपने खाने के लिए और अपने शौक और शिकार के लिए इनको मार देते हैं। इट वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ बाय, यानी ये पूरी तरह से अब डोडो जो एक पक्षी था वो पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हमें इनका थोड़ा बचाव करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हम संख्या में इनको मारेंगे या इनके घरों को उजाड़ेंगे या खाने के लिए दवाइयों के लिए जिस भी तरह से हम एनिमलों का उपयोग करेंगे तो हमें ये लंबे समय तक नहीं दिखाई देंगे और पूरी तरह से ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इनका बचाव करना चाहिए। तो ये चैप्टर क्या काफ़ी बड़ा था, तो ये पूरे इसको समझाने में 5 दिन लग गए मुझे। और इसका आप जो वर्क है वो मैं आपको, यानी इसके जो वर्ड मीनिंग है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको अब मंडे को ही करवाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था और आज ही ख़त्म हुआ है। तो इसकी कॉपी तो अब शायद ही चेक होगी। तो 4th क्लास के बच्चे अगर पिछला कोई वर्क बाकी है तो उसी की कॉपी लेके आएँ, अदरवाइज़ इसकी इसमें तो मैंने कुछ करवाया नहीं है तो आप इसकी कॉपी नहीं ला सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।